हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के इस वीडियो में हम आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मिनी क्विज की शुरुआत की है उसके दूसरी कड़ी को लेकर उपस्थित हैं। पहली कड़ी में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की इस कड़ी में बिहार स्पेशल और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आयोजन कितने चरणों में किया जा रहा है। इसके ऑप्शनल आपके सामने हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है 3। पहले चरण में 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 94 सीटों पर और 71, 94 और 78 सीटों पर मतदान कराई जाएगी। इसका रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित होगा। दूसरा प्रश्न है, हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति हैं, इसलिए जितने भी ABCD गलत ऑप्शन है इसलिए सही उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में की गई है। सही उत्तर हुआ बी। पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पटना नगर निगम के द्वारा संजय मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार का क्या स्थान है। तो इस इंडेक्स में बिहार का स्थान 25th है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति कितने रुपए की कर्ज है। इसका सही उत्तर है 17,380 रुपये। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था लागू किया है। इसका सही उत्तर है डी, बिहार। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप इस साल या अगले साल UPSC में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक सुनहरा अवसर है कि आप GS पैकेज के साथ ऑप्शनल पैकेज अगर आज रात 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बिल्कुल निशुल्क है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 72,000, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 49,500 है। इसके साथ आपको 27,000 और 40,000 के ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निशुल्क हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, उसमें विधानसभा कितने केंद्रशासित प्रदेशों में है। इसका सही उत्तर है कि वर्तमान समय में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जिनमें 3 में विधानसभाएं हैं। ये 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा बी। इस संख्या इसलिए 8 है क्योंकि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो था उसे मिलाकर 1 यूटी कर दिया गया है। कोविलपट्टी कदलाई मितई किस राज्य से GI टैग उत्पाद है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपनी स्टार्टअप नीति में नए स्टार्टअप को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है। इसका सही उत्तर है बिहार, चूंकि बिहार ABCD ऑप्शन नहीं है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई। नेक्स्ट है, बिहार में पहला बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है। बिहार में पहले बायो बैंक की शुरुआत IGIMS पटना में की गई है।
नेक्स्ट है, हौथी विद्रोह हमेशा खबरों में रहते हैं, इनका संबंध किस राज्य से है, यानी किस देश से है? इसका संबंध यमन से है। देश का कुल वन क्षेत्र, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी हाल ही में वन रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भारत का सबसे बड़ा सेंटर किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, गया, हाजीपुर, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कि इसकी शुरुआत बिहार के पूर्णिया शहर में की गई है। तो ये रहे आज के बीपीएससी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवाल जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम मिनी क्विज को एक फुल क्विज में कन्वर्ट करें, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।